आर्थिक संकट में घिरी करण जौहर की कंपनी, बाजार में हिस्सेदारी बेचने की कोशिशें भी नाकाम। निर्माता निर्देशक करण जौहर की कंपनी की नेटफ्लिक्स के लिए बनाई गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म सर्चिंग फॉर शीला और फिल्मावली अजीब दास्तान्स ने उनके तमाम फीचर फिल्मों को संकट में डाल दिया है। इन दोनों फिल्मों की गुणवत्ता को देखते हुए मशहूर फिल्म कंपनी लाइका प्रोडक्शंस ने दर्मा प्रोडक्शंस के साथ हुई अपनी डील पर पुनर्विचार करने का फैसला किया है। करण जौहर के निर्देशन में बनने वाली उनका महत्वाकांक्षी मेगा बजट फिल्म तख्त में पैसे लगाने से लाइका प्रोडक्शंस पहले ही हाथ पीछे खींच चुका है। लंदन की मोबाइल कंपनी लाइका की फिल्म निर्माण कंपनी लाइका प्रोडक्शंस की आर्थिक हालत इन दिनों ठीक नहीं बताई जाती है। इस कंपनी ने निर्देशक शंकर के साथ कमल हासन की 1996 में रिलीज फिल्म इंडियन का रीमेक बनाने की घोषणा की थी। बीते साल फिल्म के सेट पर एक हादसे में 3 लोगों की मौत होने के बाद से फिल्म की शूटिंग बंद है। फिल्म के कलाकारों को उम्मीद थी कि अनलॉक के बाद फिल्म इंडियन 2 की शूटिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन शंकर ने इस फिल्म की बजाय पहले एक फिल्म रामचरण के साथ घोषित की और इसके बाद अपनी ही फिल्म अनियन का अभिनेता रणवीर सिंह के साथ रीमेक करने का ऐलान कर दिया। बताते हैं इसके पीछे बड़ी वजह लाइका का आर्थिक संकट भी है। निर्देशक शंकर का कहना है कि वे अपनी नई फिल्में अपने शेड्यूल के हिसाब से ही घोषित कर रहे हैं और उनका फिल्म इंडियन 2 को बीच में ही छोड़ देने का कोई इरादा नहीं है। लाइका प्रोडक्शंस ने हाल के दिनों में कई हिंदी फिल्मों में भी पैसे लगाने की घोषणा की है, लेकिन बताते हैं कि दक्षिण भारत में उनकी काफी रकम कई मेगा प्रोजेक्ट में फंस चुकी है। इसी के चलते लाइका को करण जौहर की महत्वाकांक्षी फिल्म तख्त से भी हाथ पीछे खींचना पड़ा।